नमस्ते सस्रियकाल ते की हालचाल, व्हाट्स अप यू गाइस, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड। तो आज मैं आया हूँ सात बंगला कहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे बचपन की यादें जुड़ी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम आए हैं सांचाज आइसक्रीम। ये बहुत ही फेमस आइसक्रीम पार्लर है सात बंगला सेवन बंगलोज में। ये वर्सोवा के थोड़े पहले आता है एंड ये जगह पे यार मेरे बचपन की यादें जुड़ी है। सो आई एम एन 80s किड एंड जो भी बच्चे यहाँ 80s में बॉर्न हुए, अंधेरी वेस्ट, वीरा डेसाई, लोखंडवाला, सेवन बंगलोज, दे आर क्वाइट फेमिलियर विद दिस प्लेस। एंड लेट्स टॉक टू मिसेस कामत, हु इज द ओनर ऑफ दिस प्लेस। गाइस, वी आर विद मिसेस कामत, हु इज द ओनर ऑफ दिस प्लेस। मिस्टर कामत एक्चुअली यूजली यहाँ पे होते हैं, मैं मिस्टर कामत को बहुत अच्छे से जानता हूँ। सो मिसेस कामत इज ओवर हियर, वी विल टॉक टू मिसेस कामत एंड वी विल आस्क हर के सांचाज आइसक्रीम की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। सो मिसेस कामत, सांचाज कौन से ईयर में शुरू हुआ था? 1991 में शुरू हुआ था। एंड आप बताइए कि जब इंटरनेशनल ब्रांड्स होते नहीं थे एंड यू डिसाइडेड टू स्टार्ट सांचाज आइसक्रीम, ये इनिशिएशन कहाँ से हुआ, किसका आइडिया था और कैसे स्टार्ट हुआ? मेरे हस्बैंड का और मेरा आइडिया था। ओके, so you were actively involved in building the brand Sanchaz, yeah, Mr. Kamat was the one who initially started? We both. Okay, you both started, that's great. Aur kitne flavors ki ice creams hai aapke paas? Nearly 22 hai abhi. Matlab seasonal season ke hisab se banate hain, jo jaise abhi sitafal ka season hai to sitafal ka ban raha hai aur litchi. ओके, सीताफल और लीची है कि मैं मैम के यहाँ पे आता था और मेरी फेवरेट जो है यहाँ पे बटरस्कॉच है। आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स है। और मैम एक्चुअली मैं देखा है कि सीजन्स में, समर्स में आप लोग वनीला और मैंगो आइसक्रीम का एक कॉम्बिनेशन देते हैं, वो है अभी भी फिलहाल मेन्यू में? अभी नहीं है पर समर्स में यूजली है ना, एवरी समर्स यू हैव दैट। समर्स में मैंगो सीजन में वनीला विद मैंगो देते हैं और स्ट्रॉबेरी सीजन में वनीला विद स्ट्रॉबेरी देते हैं। कि जितनी भी आइसक्रीम्स है उसमें से बटरस्कॉच इज माय हॉट फेवरेट, तो आप बता सकते हैं पर्सनली कि बटरस्कॉच जो मुझे पसंद है, लेकिन इन जनरल आपका हॉट सेलिंग फेवरेट आइटम क्या है जो बाकी लोगों को बहुत पसंद है? चोको चिप्स और सीजनल फ्रूट्स, एनी लाइक सीताफल, सीजन में सीताफल, स्ट्रॉबेरी सीजन में स्ट्रॉबेरी, लाइक दैट। मैंगो इज हॉट सेलिंग आइसक्रीम इन सीजन। So that's great. So ma'am said mango, seetafal, strawberry is something, is something which is also a hot favorite. I like personally butterscotch. Okay, so ma'am says that the ice creams are handmade ice creams and they are completely, you know, isme koi bhi artificial flavors add nahi hote. No any preservatives, no any essence, color, nothing. Only milk, sugar and fruits. Wow, that's great. इसलिए तो आपकी आइसक्रीम हमको और बाकी सबको पसंद आती है। दृष्टि एंड सुष्मिता विद अस, तो ये सांचाज आइसक्रीम के रेगुलर कस्टमर्स हैं, इनसे पूछते हैं कि कितने रेगुलरली आते हैं और इनका पर्सनल फेवरेट कौन सा फ्लेवर है। हाय, माय नेम इज दृष्टि एंड आई लव चोको चिप्स। वी यूजुअली कम लाइक, आई कम विद माय पेरेंट्स, सो वी कम लाइक थ्री लाइक वीक में एक बार वी कम, लाइक ऑन संडेज यूजुअली वी कम योर रूम। हाय, माय नेम इज सुष्मिता, सो आई लव आइसक्रीम इन जनरल, आई ओनली चोको चिप्स, बट लाइक सांचाज चोको चिप्स इज माय फेवरेट आइसक्रीम। So I come here like 2-3 times a month with my mom, like on weekends at night. दृष्टि एंड सुष्मिता का फेवरेट भी चोको चिप है। मेरा फेवरेट, जैसे मैंने आपको बताया, बटर स्कॉच है। तो बटर स्कॉच आप लोगों को नहीं अच्छी लगती? Actually, I've never tried any other flavor, only I just eat choco chips from same, like every. I don't try any other flavor. I just eat choco chips. अच्छा, तो इन्होंने चोको चिप्स के अलावा कोई ट्राई नहीं किया, लेकिन बटरस्कॉच है, बहुत सारे फ्लेवर्स है जैसे मैम ने बताया। तो चलिए आइए टेस्ट करते हैं, मेरा पर्सनल फेवरेट, एंड वी लेट यू नो हाउ इट इज। तो मैम ने कहा कि बटरस्कॉच जिस तरह से पहले बनती थी अभी उस तरह से नहीं बनती, अभी थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। सो आई विल ट्राई माय फेवरेट आइसक्रीम। दैट्स वेरी डिफरेंट है पहले से थोड़ी, बट क्रीमीनेस और सॉफ्टनेस वैसे ही है। सीताफल है आपके पास, वो भी मुझे ट्राई करवाइए। ये सीताफल है। सो मैम बता रही है कि ये चोको चिप है, जैसे आपने दृष्टि और सुष्मिता के साथ हमने बात की, उनका ये फेवरेट है। मैम बोलते हैं कि बहुत लोगों का ये फेवरेट है। चलो लेट्स ट्राई दिस। तो ये हमारी बटरस्कॉच आइसक्रीम हो रही है रेडी, हम लेके जाएंगे पार्सल और आपको खा के बताएंगे कि कैसी लगी। तो ये देखिए, ये दादा हमारी आइसक्रीम पैक कर रहे हैं।
दिस इज माई ऑल टाइम फ्लेवर। जाते जाते दादा ने मुझे एक मैंगो आइसक्रीम भी दी है, ये भी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। दिस इज ऑल्सो अमेजिंग। आई एम एक्चुअली हैविंग ऑल दीज फ्लेवर्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं लास्ट यहाँ पे आया था 2019 दिसंबर में, उसके बाद तो आना ही नहीं हुआ, एंड आई एम कमिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई एम एंजॉयिंग इट मैन। लवली दिस इज। हाय गाइस, तो अब टाइम आ गया है फैंटास्टिक आइसक्रीम खाने का जो हमको मिसेस कामत ने दी थी। चलो ये आइसक्रीम की अनबॉक्सिंग करते हैं। वाओ, लुक्स नाइस। वाओ, अमेजिंग दिस इज। तो गाइस, जब तक आइसक्रीम थोड़ी सी पिघलती है, बहुत ही फ्रोजन स्टेट में है, तो फिर हम खाएंगे। और मैं बताना चाहूँगा, आज का व्लॉग मेरे लिए एक्चुअली बहुत ही एक इमोशनली सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज मैं मिस्टर एंड मिसेस कामत को बचपन से जानता हूँ। हम पिछले 30 साल से लगभग उनके आइसक्रीम पार्लर पे जा रहे हैं, और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जितनी अच्छी उनकी आइसक्रीम है, उतने अच्छे वो लोग हैं। तो इनफैक्ट मिस्टर कामत के बारे में लोग कहते भी हैं, और ये बात सच भी है, कि ही इज़ अ स्वीट मैन हु सेल्स स्वीट प्रोडक्ट एंड विच इज़ एक्चुअली ट्रू। तो देखिए, खाना तो आपको हर जगह मिल जाएगा, आइसक्रीम तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन जो एक बात करने का तरीका होता है, जो एक सर्व करने का तरीका होता है, वो एक्चुअली उसी वजह से लोग खींचे चले आते हैं। सो आई थिंक मिस्टर एंड मिसेस कामत यू नो हैव दैट क्वालिटी एंड अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी दे हैव। तो अब हमारे शानदार डिनर के बाद ये बेहतरीन आइसक्रीम हम टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कैसी है। अमेजिंग। जैसे मैम ने बोला था, थोड़ा सा उन्होंने टेस्ट चेंज किया, पर ज्यादा नहीं। वही स्वाद, वही टेक्सचर, वही क्वालिटी, मजा आ गया खा के। आप अगर आप सांचस आइसक्रीम गए हैं तो कमेंट कीजिए, और आपकी सांचस आइसक्रीम में कौन सी फेवरेट आइसक्रीम है ये भी आप कमेंट कीजिए। आप एंजॉय करते हैं ये आइसक्रीम। तो तब तक आप देखते रहिए, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो तब तक के लिए टेक केयर, स्लीप वेल एंड टालियोस।